डिप्रेशन मॉर्निंग में जो था, अभी मॉर्निंग 11:30 में, इसका लोकेशंस थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड। इसका लोकेशन अभी 900 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप में है, जो ईस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे पर है। तो इसका मूवमेंट इनिशियली अभी वेस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड, उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड होगा, और टुवर्ड्स ए अभी इंटेंसिफिकेशन जो है नेक्स्ट 12 आवर्स में डीप डिप्रेशन, और उसका सबसेकेंड 24 आवर्स में साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का चांसेस है। और मूवमेंट टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ उड़ीसा एंड बांग्लादेश कोस्ट का तरफ होगा, ठीक है। तो इसका प्रभाव में जो है मेनली उड़ीसा में अभी अगला 5 दिन में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेनली फिशरमैन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट 3 दिन तक, मीन्स आज से 7 तक उड़ीसा में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राई वेदर ही रहेगा। 8 तारीख को कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकता है, 9 तारीख में कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जगह में लाइट टू मॉडरेट होने का चांसेस है। हैवी रेनफॉल का अगला 5 दिन तक हैवी रेनफॉल का कोई वार्निंग नहीं है। और फिशरमैन के लिए वार्निंग है, क्योंकि फिशरमैन सी एरिया सी कंडीशंस रफ वेरी रफ, उसके बाद में फिर वेरी हाई फिनोमिनल तक होने का चांसेस है। तो फिशरमैन को 8 तारीख से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है। जो डीप सी एरिया में है उनको 7 तारीख को इवनिंग तक, 7 तारीख नाइट तक वापस आने के लिए कहा है। और उसका साथ अभी डीप सी एरिया मीन्स बहुत बहुत दूर तक, कल से ही बहुत दूर तक नहीं जाना है। जो इस सेंट्रल बे एरिया है वो इस सेंट्रल बे एरिया में कल से इस तरह से कल परसों से नहीं जाना है, ठीक है। मेनली पूरा कोस्टल एरिया में भी नहीं जाना है 8 तारीख में, और डीप सी एरिया में आज से ही यही है। और पोर्ट वार्निंग डिप्रेशंस बे ऑफ बंगाल में दूर में है, तो हमारा क्वेश्चन में बहुत दूर में है। तो पोर्ट वार्निंग डिस्टेंस कॉशनरी, डिस्टेंस वार्निंग जो होता है डिस्टेंस कॉशनरी सिग्नल नंबर 1 जारी किया है। ओडिशा में कितना दिन तक बारिश होगा? नहीं, उड़ीसा में जो अभी है, अभी 3 दिन तक तो ड्राई है। अभी आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, 7 तारीख तक, 7 तारीख तक ड्राई वेदर ही रहेगा। 8 तारीख में भी इंटीरियर उड़ीसा में ड्राई वेदर ही रहेगा, कोस्टल उड़ीसा में एक दो जगह में लाइट मॉडरेट रेनफॉल होगा। और 9 तारीख में भी आपका ओनली कोस्टल एरिया में सब मोस्ट प्लेसेस में आपका लाइट लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा, बट हैवी रेनफॉल का वार्निंग उड़ीसा के लिए अभी तक नेक्स्ट अगला 5 दिन तक हैवी रेनफॉल का कोई वार्निंग नहीं है। तो फर्दर अपडेट हमने देंगे। उड़ीसा में अभी तक जितना ये है बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसमें नहीं है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग हैवी रेनफॉल वार्निंग नहीं दिया है। अभी फिशरमैन के लिए इम्पोर्टेंट है, फिशरमैन का सभी फिशरमैन को ही, हमारे उड़ीसा कोस्ट का जितने जहाँ जहाँ फिर सभी फिशरमैन को 8 तारीख से समुद्र जाना मना है। और जो डीप सी एरिया में है उनको 7 तारीख वापस आना आना है। ये कोस्टल एरिया के लिए, यार हम लोग अभी फिशरमैन वार्निंग 2 तरह का देते हैं, एक है बिल्कुल कोस्ट का पास, और एक है मीन्स कोस्टल एरिया में, और एक है डीप सी एरिया में। डीप सी मीन्स आपका मोर देन, कभी कभी 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर और 200 किलोमीटर इस तरह से, हमारा यहाँ से बोल रहे 900 किलोमीटर दूर है। तो अभी हमारा कोस्ट से ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल कुछ एरिया से 200 कुछ एरिया 300 किलोमीटर दूर ऐसा होता है, तो उतना दूर नहीं जाना है आज से ही। और 7 तारीख से वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल मीन्स हमारा नज़दीक का ही है, इसमें 100 किलोमीटर रेंज में आते हैं, उसमें नहीं जाना है। बट कोस्टल एरिया में विद इन 50 किलोमीटर एंड शो 7 तक एक्टिविटी फिशरमैन का चलेगा, ठीक है। कोस्टल एरिया मीन्स अबाउट 50 किलोमीटर दूर तक है, जैसे आपका कोस्ट शो जो लाइन है, कोस्ट लाइन से 50 किलोमीटर दूर तक समुद्र, वो हम लोग नॉर्मली कोस्टल एरिया कहते हैं, ठीक है, अबाउट 50 किलोमीटर। तो उतना तक फिशिंग एक्टिविटी उनका चलेगा, बट डीप सी एरिया में जो है उनको वापस आना है। और 8 तारीख से बिल्कुल वही 50 किलोमीटर वो एरिया भी नहीं जाना है, कोस्टल एरिया में भी नहीं जाना है।